यस, मैं राजेश सोनी। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 जो है आपकी आयु है। ओके, यह आपकी 3 नंबर की एक्सरसाइज है जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि अपन मैट्रिक्स या आयु है किसे कहते हैं या आयु क्या होता है। तो जो आयु है उसकी डेफिनेशन जो है इस प्रकार से दी जाती है कि वस्तुओं अथवा संख्याओं के आयताकार अथवा वर्गाकार विन्यास या क्रम को आयु है कहते हैं। जहाँ पे जो संख्याएं हैं उन्हें संख्याएं जो है उन्हें या आप लिख सकते हैं संख्याओं को। ओके, पंक्ति एवं स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ओके, यह इसकी डेफिनेशन है। वस्तु अथवा संख्याओं का जो आयताकार अथवा वर्गाकार विन्यास होता है उसे अपन आयु कहते हैं, और जो संख्याएं हैं उन्हें आप पंक्ति एवं स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ओके, और अपन ये जो वस्तुएं और जो संख्याएं हैं इन्हें जो वस्तुएं और संख्याएं हैं आपकी उन्हें अवयव कहते हैं। ओके, अपने लिए संख्या या अवयव, संख्या अथवा वस्तु में कहकर हमेशा कहेंगे अवयव। ओके, तो जो आपका आयु है उसमें बहुत से अवयव शामिल किए जाते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर समझिए इसे कि नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखना है वह है कि आयु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी इत्यादि। नेक्स्ट आपको जो बात ध्यान में रखनी है यहाँ पर वह यह है कि जब आप आयु का प्रयोग करते हैं तो आयु है को बड़े कोष्ठक के द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, आयु है को बड़े कोष्ठक के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आप यहाँ पर बड़े कोष्ठक के स्थान पर छोटा कोष्ठक भी काम में ले सकते हैं या फिर दो पैरेलल लाइन। ओके, अर्थात इस प्रकार से भी आप आयु है को व्यक्त कर सकते हैं। ओके, अब आप यहां पर देखें नेक्स्ट की जो आयु होता है, मान लीजिए आपने यह एक आयु लिया तो इसमें जो संख्याएं ले रहे हैं अपन मान लेते हैं वे आपकी है इस प्रकार से। ओके, तो यह जो है फर्स्ट इसे आप कहेंगे पहली पंक्ति, यह होगी दूसरी पंक्ति और यह होगी आपकी तीसरी पंक्ति।
ओके। इसके बाद यह जो है 147 जो वैल्यूज है ये आपका कहलाता है पहला स्तंभ। ओके, तो इसे आप लिखेंगे स्तंभ फर्स्ट, यह होगा आपका स्तंभ सेकंड, और यह होगा आपका स्तंभ थर्ड। ओके, तो यह हो गया हमारे पास यहाँ पर पहला स्तंभ जिसके अवयव है 4147, सेकंड जो स्तंभ है उसके जो अवयव है 2, 5 and 8, और थर्ड जो स्तंभ है वह है 3, 6 and 9। ओके, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पंक्ति है उसे अपन हमेशा क्षैतिज लेंगे। नेक्स्ट जो स्तंभ है वे हमेशा ऊर्ध्वाधर लिए जाते हैं, पंक्ति हमेशा क्षैतिज होगी और जो स्तंभ है वे हमेशा ऊर्ध्वाधर होंगे। और साथ ही साथ अब आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि जो पंक्ति होती है उसे अपन इंग्लिश में लिखते हैं रो और स्तंभ को लिखते हैं कॉलम। ओके, तो इसलिए इसे अपन लिख सकते हैं R1, तो R1 है वह पहली पंक्ति को व्यक्त करेगा, इसी प्रकार R2 भी दूसरी पंक्ति को व्यक्त करेगा, और जो R3 है वह तीसरी पंक्ति को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार जो पहला स्तंभ है उसे आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर यह जो C है यह हो जाएगा C1, यह होगा C2 और यह होगा C3। ओके, तो जो C1 है वह पहले स्तंभ को व्यक्त करेगा, जो C2 है वह दूसरे स्तंभ को व्यक्त करेगा, और जो C3 है वह तीसरे स्तंभ को व्यक्त करेगा। साथ ही साथ इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें, पंक्ति हमेशा क्षैतिज लेनी है आपको। तो आप यदि आपको पूछे पहली पंक्ति के अवयव कौन से हैं, तो आपको बताना है 1, 2, 3, दूसरी पंक्ति के अवयव हो गए आपके 4, 5, 6, और तीसरी जो पंक्ति है उसके अवयव है 7, 8 and 9। ओके, और इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू कैपिटल A, क्योंकि यह एक अवयव था। ओके, तो अपन ने देखा कि अपन अवयव को दो सीधी लाइनों के द्वारा या फिर बड़े कोष्ठक के द्वारा या फिर छोटे कोष्ठक के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अब आप इससे संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल देखिए। तो सबसे पहली बात थी कि आयु को अपन कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ओके, तो जो ये 1 से लेकर 9 तक जो वैल्यूज हैं ये क्या है, इसके अवयव है, अर्थात आप इन्हें एलिमेंट्स कह सकते हैं। और साथ ही साथ आप यह एक भी चीज ध्यान में रखें कि जो अवयव होते हैं वे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन लेते हैं B, इसे आप लिखें 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो यह भी आपका एक अवयव है, यहाँ पे आपने छोटा कोष्ठक काम में लिया है, इसके अंदर कुल 6 अवयव उपस्थित हैं। नेक्स्ट यदि आप लिखें C, और इसे अपन व्यक्त कर रहे हैं 2 पैरेलल लाइन के द्वारा, और यहाँ पे आप वैल्यूज लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। अब आपको ध्यान में रखने की बात यहाँ पर एक और है कि किसी अवयव में कितनी भी पंक्ति और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। ओके, तो जो पंक्ति है वह कम से कम 1 होगी, तथा स्तंभ भी आपका कम से कम 1 होगा। ओके, पंक्ति है वह कम से कम 1 होनी चाहिए और स्तंभ भी आपका कम से कम 1 होगा। यदि ऐसा नहीं है तो आप कह सकते हैं कि यह एक अवयव है, नहीं बनेगा। ओके,
अब अपन देखते हैं इसके बाद में आयुर्वेद को किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें नेक्स्ट आयुर्वेद की नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका यहाँ पर वह है आयुर्वेद की कोटि या क्रम, जिसे अपन कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो किसी भी आयुर्वेद की कोटि ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान में रखना होता है कि उसके लिए यह एक निश्चित फॉर्मेट है। इसमें आपको लिखना होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ओके, यह आप मान सकते हैं कि इसका फॉर्मूला है। जब भी आपको किसी आयुर्वेद की कोटि लिखनी होती है तो आपको वहां पे लिखना होगा पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, और जो पंक्ति है वह हमेशा क्षैतिज ली जाती है और जो स्तंभ होगा वह ऊर्ध्वाधर होगा। तो आप उसे काउंट करें पहले और फिर आप लिख दीजिए। तो जैसे अपन लिखें कि एक कोई आयु है हमारे पास 1, 4, 6, -9। ओके, तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले देखें कि पंक्तियों की संख्या, तो यह आपकी पहली पंक्ति है और यह आपकी दूसरी पंक्ति। ओके, और नेक्स्ट आपको देखना है स्तंभों की संख्या, तो इसमें जो स्तंभ है वे हैं 2, C1 और C2। ओके, तो यह जो आयु है आपका ए, आयु है ए की जो कोटि है वह होगी आपकी 2×2। ओके, आपको इसे और सॉल्व नहीं करना है, आपको यह 4 नहीं लिखना है, बस केवल यही यहाँ तक ही आपको इसे शो करना है। आयु ए की कोटि होगी 2×2। यह जो 2 है यह पंक्ति की संख्या को व्यक्त कर रहा है और नेक्स्ट जो 2 है वह स्तंभों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यदि अपन देखें बी, तो बी आपने लिया 1, 2, 3, 5, -9, 8। तो अब आप यहां पर देखें कि इसमें 2 पंक्तियां हैं एवं 3 स्तंभ हैं, तो इसलिए इसकी कोटि होगी, आयु है बी की कोटि यह होगी आपकी 2×3, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। ओके, और साथ ही साथ आप यह चीज भी देखें कि जो आयु की कोटि होती है उसे हमेशा हमें यहाँ पर लिखना होता है 2×3। ओके, कोटि को हमेशा इस कॉर्नर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आप देखें सी, तो सी अपन यदि लें 4, 6, 8, 2, 1, 0, 6, -5, -2, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें कुल 3 पंक्तियां हैं, यह पहली पंक्ति, यह दूसरी पंक्ति और यह तीसरी पंक्ति। ओके, और यह पहला स्तंभ, यह दूसरा स्तंभ और यह तीसरा स्तंभ, तो इसलिए इसकी जो कोटि है वह है 3×3। ओके, तो आप अब इसकी जो डेफिनेशन है वह यदि लिखना चाहें तो वह होगी कि यदि किसी आयु में एम पंक्तियां तथा एन स्तंभ हो तो उस आयु है की कोटि बराबर m×n। ओके, क्योंकि हमें पहले लिखना होता है पंक्तियों की संख्या और बाद में लिखना होता है स्तंभों की संख्या। ओके, तो आपको यह समझ में आया। नेक्स्ट अपन देखते हैं आयु है के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर हेडिंग देंगे वह है आपकी आयु है के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
और इसके अंदर आपको फर्स्ट जो पॉइंट लेना है वह हो जाएगा आपका पंक्ति आयु है। ओके, तो पंक्ति आयु की जो डेफिनेशन है वह आप इस प्रकार देंगे कि ऐसा आयु है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा आयु है जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आयु कहेंगे। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, इसमें आप एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, कितने भी स्तंभ ले सकते हैं, बट मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि इसमें केवल एक ही पंक्ति होगी। ओके, केवल एक पंक्ति होगी। तो स्तंभ है वे होंगे यहाँ पर 1, 2, 3 up to n। ओके, जैसे इसका एग्जांपल ले, यदि अपन a = आपने लिखा 1, 2, 3, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें एक तो पंक्ति है और तीन स्तंभ हैं, तो इसलिए यह एक पंक्ति आयु और इसकी कोटि है वह होगी 1 into 3, क्योंकि कोटि में हमेशा आपको पहले लिखना होता है पंक्तियों की संख्या और बाद में लिखना होता है स्तंभों की संख्या। नेक्स्ट अगर आप और भी एग्जांपल देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं -4, 3, 2, 8, तो यहाँ पर इसकी जो कोटि है वह है 1 into 4, तो इसमें एक पंक्ति है। ओके, सेकंड टाइप इसका जो है वह है आपका स्तंभ आयु है। तो स्तंभ आयु की जो डेफिनेशन है वह है कि ऐसा आयु जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे अपन स्तंभ आयु कहते हैं, और इसमें पंक्तियों की संख्या एक से लेकर एन तक कितनी भी हो सकती है। जैसे इसका अपन फर्स्ट एग्जांपल लें ए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें चार तो पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। नेक्स्ट यदि आप देखें बी आयु, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6, 8, 9, तो ये देखिए आप, यह भी एक पंक्ति आयु है क्योंकि इसमें एक तो स्तंभ है और तीन पंक्तियां हैं, तो इसकी कोटि होगी 3 into 1। नेक्स्ट सी 4, 9, 0, तो यह भी एक आपका स्तंभ आयु है, इसकी कोटि है 3 into 1। नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पर नंबर थर्ड, वर्ग आयु है, तो ऐसा आयु है जिसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग आयु है कहते हैं। ओके, तो मेन चीज यहाँ पर यह है कि इसमें जो पंक्ति और स्तंभ हैं वे हमेशा बराबर होंगे। ओके, आपको केवल यही चीज यहाँ पर नोट करनी है। तो अब आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, तो यह है a = 1, 2, 4, 9, तो आप देखें यहाँ पर कि इसमें दो तो पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ है, तो इसलिए यह एक वर्ग आयु है जिसकी कोटि होगी 2 into 2। नेक्स्ट b = 4 - 9, 1, 0, 3, 5, 1, 8, 4, तो यह जो बी मैट्रिक्स है इसमें आपको तीन पंक्तियां मिल रही है और तीन स्तंभ मिल रहे हैं, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, इसलिए यह जो मैट्रिक्स है यह भी आपकी एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसकी आपको कोटि मिलेगी 3 into 3। ओके, नेक्स्ट यदि आप एक और एग्जांपल लेना चाहें यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप, यह हो जाएगा आपका इस प्रकार से 4 इसमें चार पंक्ति है और चार स्तंभ है, तो यह भी आपका एक वर्ग आयु है जिसकी कोटि है 4 into 4। ओके,